हेलो दोस्तों, गाइस वेलकम बैक टू द एपिक बॉयज गेमिंग। और दोस्तों टुडे वी आर गोना प्ले अगेन सुपर सस। दोस्तों तुम लोगों को पता है कि भाई अभी कुछ टाइम पहले ना मैंने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताए थे मेरे टॉप 3 फेवरेट इंपोस्टर रोल्स। तो उसके अंदर काफी लोगों ने मुझसे एक बात कही थी कि मेरे को अपने टॉप 3 फेवरेट न्यूट्रल रोल्स भी बताओ। तो भाई मैंने यहाँ पे वीडियो ले आया हूँ, तो यहाँ पे भाई मैं आज तुम लोगों को बताने वाला हूँ मेरे टॉप 3 फेवरेट, जिनके साथ खेलने में ना मुझे मजा आता है। देखो जो भी रोल्स मैं चूज करता हूँ, जो मेरे फेवरेट होते हैं, मैं चूज करता हूँ उन लोगों के, भाई उनके साथ खेलने में कितना मजा आता है, उनसे खेलना कितना हार्ड है। तो भाई यहाँ पे जो मैंने चूज किया है वो है अपना फैंटम। भाई फैंटम से खेलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। भाई देखते हैं इस मीटिंग में क्या होने वाला है। यहाँ पे मैं अंदर में भाग रहा था, मुझे बॉडी कैंप पे रिपोर्ट कर देना है। मैंने सीधा रिपोर्ट दबा दिया, मेरे को लगा मेरे को कोई मार देगा। भाई मैवरिक है पक्का, ये इंपोस्टर बन के आया हूं। रुक जा, मैवरिक साथ में कौन कौन है पूछ रहा हूँ, बताना मैवरिक साथ में कौन कौन है बता। अरे कौन कौन खेल रहा है तेरे साथ अभी? भाई मैं तो हमेशा अकेले गेम खेलता हूँ, कभी कभी कोबरा होता है, बस अकेले गेम खेलता हूँ। टीम अभी नहीं करते इस गेम के अंदर, मैं हमेशा अकेले खेलते भाई। अच्छा अकेले खेलते हैं? अरे भाई भाई वो सब्सक्राइबर होते हैं अपने, तो साथ में खेलते हैं, ऐसे कुछ नहीं कि टीम अप करते हैं हम लोग इस गेम में। फिर खेल अकेले और क्या। भाई मेरे को डीमन किंग ज्यादा पसंद है, डीमन किंग। मेरे को जानता नहीं है ये, मुझे रेड इंपोस्टर लग रहा है, रेड से दूर रहो। मैं इंपोस्टर मैवरिक, मेरी बॉडी को रिपोर्ट मत करियो, ठीक है ना? अभी तू तो गया बेटा मेरे हाथ से, ये तो गया भैया। मैं इंपोस्टर नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोगों से इसको मारूंगा जरूर, क्योंकि मुझसे कह रहा है कि भाई मेरा फेवरेट, मुझे डीमन किंग अच्छा लगता है। भाई यहाँ पे मैवरिक आया हुआ है, हमारी तारीफ करो। और ये पढ़ावा चल बेटा, ये मैजिशियन था, इसने कहा था कि मेरी बॉडी पे रिपोर्ट मत मारना, मैंने रिपोर्ट मार दी। अब ये टाटा बाय बाय हो गया, जा बेटा जा डीमन किंग के वापस जा। तो अपने पहले तू बता, रिपोर्ट क्यों किया? ए मैवरिक रिपोर्ट क्यों किया? भाई तफरी आती है थोड़ी थोड़ी, इसको तफरी लेने के लिए मैंने रिपोर्ट मार दी इसकी बॉडी पे। गया अच्छा है यहाँ से बाहर गया भाई, वो उसको जाने देते हैं। ठीक है बस भाई यही है। और यार इस बार भी एक वोट से रह गया भाई, तुम लोग देख रहे हो एक एक वोट से रहे, जबकि इस बार मैंने खुद को वोट किया था भाई। मैं बच मतलब इस गेम से ऑरेंज को बाहर कर रहा है, मेरे को थोड़ा सा भारी पड़ गया, लेकिन कोई बात नहीं। और देखो यहाँ पे ना एक चीज जो है ना, वो पहली मीटिंग में मैं समझ गया था कि यहाँ पे ब्राउन जो है वो अपना इंपोस्टर, क्योंकि भाई उसने ना यहाँ पे क्लिक कर दिया था, शायद बाइटर को मार दिया उसने इतनी जल्दी। और भाई बाइटर को मार के उससे बैठ गए मीटिंग, और वो बहाने बना रहा था कि भाई देखो यहाँ पे ना मीटिंग बैठ, मुझे यहाँ पे बॉडी मिली, मैंने उस पर रिपोर्ट मारी। भाई इतने अकलमंद तो हम, हमें पता है कि भाई कौन इंपोस्टर है कौन इंपोस्टर नहीं है, लेकिन हम उसको बाहर नहीं करवाएंगे, क्योंकि ना भाई हम लोग इस गेम में है फैंटा, हम नहीं चाहते कि भाई गेम यहीं कहीं खत्म हो जाए। हम चाहते हैं यहाँ पे हमें मारा जाए, उसके बाद हम लोग इस गेम में टास्क करेंगे। और यहाँ पे सियान मुझे इंपोस्टर लग रहा था, एक काम करते हैं सियान के पीछे चलते हैं। सियान बेटा मेरे को मार देना आके, भाई इधर को आना मेरे को मारना भाई, यहाँ क्या पे वो भाई नहीं मार रहा है। यहाँ पे हम चलते हैं यहाँ से आगे, देखो भाई कोई ना कोई इंपोस्टर हमें रास्ते में टकरा ही जाएगा, वो हमें आके मार दे। लेकिन भाई को हमें इंपोस्टर नाम का शख्स जो है वो मिल ही नहीं रहा है भाई, कोई तो मिल जाए। और यहाँ पे बॉडी पड़ी हुई है लाल की, ये तो हमारा दोस्त भाई, मीटिंग में अच्छी खासी बातें चल रही थी। और यहाँ पे देखो भाई इसकी बॉडी पे डांस कर रहा हूँ मैं, कितना बुरा इंसान हूँ ना भाई, मैं अपने दोस्त की बॉडी पे ही यहाँ पे डांस करूँ। जो इंसान मीटिंग में मुझसे इतने अच्छे से बातें कर रहा था, मैं उसकी बॉडी पे डांस कर रहा हूँ भाई। यहाँ पे मुझे इस चीज़ की सजा ना भाई ऊपर वाला जरूर देगा भाई, दे दी मुझे सजा, दे दी यहाँ पे। और गुरु टोनी मेरे को खा गया, और यहाँ पे ब्राउन भी इसके पेट में है। अबे ब्राउन भी इसके पेट में भाई, जा जाके बॉडी पे रिपोर्ट मार, जा जा ग्रीन जाके रिपोर्ट मार के, जल्दी जा बेटा खड़ा गया यहाँ पे। मैं फेविकॉल लगा लेके पैरों में, जा अबे जा ना, तो उल्लू के पट्टे निकलने यहाँ से। तो फैंटम है ना, जल्दी जा रहे, या तो फैंटम में पहले बोलता है, या तेरे को वोट आउट कर देते। अरे कोई बात नहीं ब्रो, कोई बात नहीं, ऐसी मतलब हम अब भी गेम जीतेंगे, अपनी अपनी मेहनत से जीतेंगे भाई ये गेम। हमें जाएगा भाई, जा ना ग्रीन बेटा, आगे जाओ ग्रीन बेटा, तेरे को तेरी बंदी कसम, जा ग्रीन तेरे को तेरी बंदी कसम, ग्रीन कसम से कह रहा हूँ तेरी बंदी। अरे बंदी का नाम लेती है आगे निकल के, देख रहे हो भाई कितना चला के इस गेम के अंदर, इसकी बंदी है यार, हमारी नहीं है बस। और इसने मीटिंग में बिठा दी भाई, बहुत बढ़िया। यहाँ पे इसको पता था कि मैं फैंटम हूँ, लेकिन इसने यहाँ पे मीटिंग बिठा दी है, यानी कि इसने इस गेम के अंदर कर लिया अपनी मौत को बुलावा। और यहाँ पे देखते, चल भाई फैंटम जिंदा हो गया, रुक भाई फैंटम तेरे को हेल्प करता हूँ मैं। ओके भाई, तो देखो यहाँ पे जो है इन्होंने वोट कर दिया है सियान को। और भाई यहाँ पे जो अपने ब्राउन ने बताया कि उसकी जो पार्टनर है ना इस गेम में, वो है अपनी पर्पल, जो कि दूसरी इंपोस्टर। तो भाई यहाँ पे ना पर्पल को बाहर होने से पहले मुझे ये गेम जीतना पड़ेगा। और यहाँ पे जो अपना दोस्त यानी कि क्या नाम था KFC, वो बंदा कह रहा है कि भाई मैं यहाँ पे मैवरिक तेरी हेल्प करूंगा। तो भाई अच्छी बात है, देखते हैं क्या हेल्प करता है यहाँ पे। लेकिन हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे भाई, हम लोग यहाँ पे KFC के भरोसे ना रहे, हम यहाँ पे अपने भरोसे इस गेम को जीते। तो हम लोग यहाँ पे पहला टास्क जो है, मेरी किस्मत अच्छी
कि यहाँ पे मेरे को मेडवे में टास्क मिला और मैंने यहाँ पे टास्क कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे मैं एक काम करूँ, दूसरा टास्क नेविगेशन का था तो मैं रिस्क नहीं लूंगा, सीधा यहाँ पे मीटिंग बिठाऊंगा। ओके भाई, तो यहाँ पे मैंने मीटिंग बिठा दिया भाई, देखते हैं मेरे को दूसरी बारी में कहाँ पे पैदा करता है ये, और इस बार देखना है भाई इस गेम में क्या क्या होने वाला है। दरवाजा बंद करूंगा, फैंटम जीतेगा। ओके भाई, तो देखो इस गेम के अंदर ना भाई इन लोगों को शक जा चुका था अपने पर्पल के ऊपर, लेकिन ग्रीन को पता नहीं क्या हुआ कि ग्रीन ने खुद को ये वोट कर दिया, ग्रीन यहाँ से बाहर हो चुका है लगता है भाई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो भी हो, शायद से वो समझ गया कि भाई फैंटम ये गेम जीतने वाला है और वो चाहता था कि भाई उसको उस गेम से बाहर हो जाए और फैंटम भी ये गेम हार जाए, लेकिन मैं ये गेम नहीं हारूंगा, मैं यहाँ पर रिस्क लेना पड़ेगा, मुझे यहाँ से निकल के भागना पड़ेगा, क्योंकि ना भाई यहाँ पे अगर मैं अंदर बैठा रहा, उन्होंने अगली मीटिंग बिठाई और ये पर्पल को बाहर कर दिया भाई, तो ये गेम यहीं पर खत्म हो जाएगा, मैं भी ये गेम हार जाऊंगा। और यहाँ पर रिएक्टर का टास्क दिया, यानी कि दूसरा इंपोस्टर जो था जिसका नाम है केएफसी भाई, वो मेरा सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे, उसको पता है कि मेरा टास्क यहाँ पे नेविगेशन में, तो उसने टास्क दिया रिएक्टर का, लोग जाएंगे रिएक्टर के अंदर और यहाँ पे हमें टास्क मिला है शिप को बिठाने, रॉकेट को यहाँ बिठाने वाला। ओके तो भाई हम लोगों ने रॉकेट यहाँ पे बिठा दिया और हम लोगों ने ये गेम भी जीत लिया है भाई, ये इसे कहते हैं प्रो फैंटम भाई। चलो भाई हम लोग यहाँ पे गेम जीत चुके हैं, अब एक काम करते हैं, चलते हमने नंबर दो के न्यूट्रल के पास, तो हम लोग बताऊंगा जो नंबर टू का अपना फेवरेट है ना, वो है अपना जोकर। अब भाई देखो जोकर जो है ना, मतलब मेरा वो सबसे पहला ऐसा न्यूट्रल का रोल था जिसको मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ भाई शुरू से। मतलब भाई ऐसा इसलिए होता था कि भाई एक टाइम पर ना जब हम लोग साथ में गेम खेलते, जैसे कि भाई मैं कोबरा लेजेंड किलर डीमन की हम सारे तो साथ में गेम खेलते थे ना भाई, तो उसके अंदर हम लोग एक चीज़ बड़ी करते थे कि भाई एक दूसरे को निकलवाते थे। हम लोगों ने कसमें खा रखी थी कि भाई साला कोई भी बंदा ये गेम जीत जाए, लेकिन हम आपस में से हमारे दोस्तों में से कोई गेम जीतना ही नहीं चाहिए भाई, वरना वो बाद में खेल सकता था हमारी। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते थे, ये लोग जानते थे कि भाई मैवरिक जो है वो प्रो इम्पोस्टर बनता है, तो ये लोग ना जानबूझ के मीटिंग में ये कहते थे कि भाई मैवरिक को वोट करो, ये इम्पोस्टर को बाहर निकालो। तो भाई एक दिन मेरे दिमाग की बत्ती जली, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने जोकर का रोल खरीद लिया यहाँ पे, मैंने कहा कि भाई अब मुझे यहाँ से बाहर करो। और ये लोग करते थे भाई, ये लोग इतने बेवकूफ लोग, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, जब जब मैं यहाँ पे जोकर बनता था ये लोग मुझे बाहर करवाते थे, गेम हार देते। तब से लेके भाई आज तक ना यहाँ पे जोकर ऐसा रोल है जिसने मेरी यहाँ पर इज्जत बचाई है, तो यहाँ पे जोकर जो मेरा बहुत फेवरेट रोल है यहाँ पे। और भाई देखो यहाँ पे मीटिंग बिठा दी है अपने इस यार ने, जिसमें दो लोग जो है यहाँ पे मर चुके हैं भाई, मैं मीटिंग बिठाता लेकिन कोई बात नहीं। और भाई यहाँ पे देखो वोट हो चुके हैं, इसके बाद भाई चलते हैं यहाँ से आगे और भाई देखेंगे इस गेम में कैसे खुद को यहाँ पे वोट आउट करवाना, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जबकि इस गेम को तो ना ही हंटर आया हुआ है ना ही अपना स्वेपर आया, वरना मैं इस गेम में झूठ बोलता कहता कि भाई मुझे वोट कर दो, लेकिन क्या ही कर सकते हैं भाई। और यहाँ पे जो अपनी रोज यानी गोल्डन वो मेरा पीछा कर रही है, मेरे हिसाब से वो इस गेम के अंदर अपनी हिप्नोटिस भाई, मेरे हिसाब से वो मेरे को बनाना चाहती है अपना मिनियन, लेकिन मैं किसी भी कीमत में यहाँ पे मिनियन नहीं बनूंगा, क्योंकि ना भाई देखो मुझे नहीं चाहता इस गेम के अंदर कि मैं हिप्नोटिस का मिनियन बन जाऊँ और मेरा कूल डाउन जो है वो भरे एक तो एक दो साल बाद भाई, मतलब तुम्हें पता है ना कितना लंबा टाइम लगता है भाई। मैं बता रहा हूँ, मैं अगर मेरे बच्चे होते ना भाई, उनके बच्चों के बच्चे हो जाते भाई, इतनी देर में टाइम लगता है उसका अपने मिनियन का कूल डाउन होने में। तो भाई यहाँ पर मेरा पीछा कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ऐसे आगे चलते, मैं मिनियन किसी भी कीमत में नहीं बनूंगा। और यहाँ पे पिंक को मार दिया है, उस यान ने फिर मीटिंग बिठाई यहाँ पे और यहाँ पे मर चुका है पिंक, अब देखते हैं भाई क्या होता है। तो भाई यहाँ पे देखो मैं इन लोगों से कहूंगा कि भाई देखो मैं इस गेम में स्वैप करूं, प्लीज मेरे को इस गेम में वोट कर दो। और मैं जानता हूं कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, लेकिन इन्होंने यहाँ पे मेरी बात को यकीन नहीं किया, सिर्फ एक ने यकीन किया, बाकी इन्होंने यहाँ से बाहर कर दिया है अपने रेड को। और रेड सच में अपना इम्पोस्टर था, फो नो भाई नो, ये तो गलती हो गई यहाँ पे, अब बचा खाली एक इम्पोस्टर, अगर इन्होंने उस इम्पोस्टर को यहाँ से बाहर कर देना भाई तो मेरे यहाँ पे लग जाएंगे, तो मुझे जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा इस गेम के अंदर जीतने के लिए। हम यहाँ से आगे चलते हैं और भाई देखो मैं फिर से यही झूठ बोलूंगा इस गेम में कि भाई मैं स्वैपर, क्योंकि मैं जानता हूँ भाई इस गेम के अंदर कोई भी ना, मतलब किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि देखने का कि भाई स्वैपर आया हुआ है नहीं आया हुआ। तो एक बार मैं ट्राई जरूर करूंगा, लोगों से कहूंगा कि भाई स्वैपर को, मतलब मैं स्वैपर हूं, मेरे को वोट करो। तो भाई सुनो मैं स्वैपर हूँ, मेरी बात मेरे बात सुनो, मैं स्वैपर हूँ, मैंने भाई इम्पोस्टर मेरा क्लिक करने के लिए आ रहा था, मेरे को वोट करो, मैं स्वैपर पर स्वैप कर दूंगा, मुझे पता है स्वैपर कौन है, मैं एमवीपी चाहता हूं, इसलिए मेरे को प्लीज वोट कर दिया जाए यहां पे। भाई प्लीज जल्दी से मेरे को यहाँ पे वोट करो, प्लीज प्लीज गाइस मेरे को यहाँ पे वोट करो। और यहाँ पे वोट मिल गए भाई, यस, यहाँ पे अगर एक इंसान और स्किप कर देना भाई तो मेरे एल लग जाते यार, लेकिन यहाँ पे भाई फाइनली यहाँ पे मेरे को वोट हो चुके। देखा मतलब मुझे जोकर से खेलना इतना अच्छे तरीके से आता है, मुझे पता है भाई कौन इंसान क्या सोचता है इस गेम के अंदर। तो यही चीज़ है भाई जो हमें गेम के अंदर अपना प्रो न्यूट्रल बनाती है, सॉरी प्रो जोकर बनाती है यहाँ पे। तो भाई देखो हम लोग ये गेम जीत चुके, भाई काम करते हैं, हम चलते हैं अपने तीसरे रोल की तरफ जो कि है अपना हिप्नोटिस्ट। देखो भाई न्यूट्रल रोल के अंदर ना तुम लोग कितने भी रोल लेकर आ जाओ, ग्लूटोनी लिया, कोई भी लिया, हिप्नोटिस्ट तो ना मतलब हमेशा ना सबकी फेवरेट लिस्ट में रहेगा ही रहेगा। इसका रीजन ये है कि ये किल करता है ना, इसका रीजन ये है कि पावरफुल है ना, इसका रीजन है कि भाई आप अपनी मनपसंद औरत को इसके अंदर अपनी मिनियन बना सकते हो भाई। मतलब जो भी इस गेम में लड़की आई हुई है आपको अच्छा लगता है कि हाँ भाई ये लड़की है, मुझे मैं चाहता हूँ कि भाई काश मेरी पार्टनर होती, फायदा तो गेम में ही है।
बेटर गेम में ही नहीं रैंक चाहिए, टिक्शा का काम यही है। अब पता हो टिक्शा कौन है गेम के अंदर, आओ ही कौन था वहां पर। बस हो गया काम यहाँ पे, हो गया भाई। मतलब ये बंदा, मैं बता रहा हूँ, कोई भी लड़का होता ना इस गेम में अगर मर जाता, इसका दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलता भाई यहाँ पे। लेकिन अगर इस गेम में लड़की मरी है तो भाई इसने ना इस गेम के अंदर सीआईडी वाला बन गया भाई, ये एसी पर ह्यूमन बन गया भाई। यहाँ पे सब कुछ हमने सारी थ्योरी लगा रहा था बैठा हुआ कि भाई ये बाइटर तो नहीं थी, एक सेकंड ट्रिक्सटर ने इसको ट्रिक किया, कौन है ट्रिक्सटर, किसने मारा इसको। मतलब भाई देखो ये होता है इस गेम में, अब वो इस गेम में पता नहीं शायद वाइट जीतता या क्या था, तो वो इस गेम में लड़की को अपना मिनट नहीं बना सकता। लेकिन यहाँ पे मैंने भी किसी लड़की को नहीं बनाया, मैंने यहाँ पे बनाया है अपने ब्लू को, क्योंकि वही मेरे पास में था यहाँ पे। अब ब्लू बेटा आ जाओ यहाँ पे, सबका किल करने चलते हैं, आजा बेटा यहाँ से आगे चलो। यहाँ पे गोल्डन आ, गोल्डन को मार, लेकिन कूलडाउन उसका भी नहीं भरा होगा, यहाँ पे मेरा कूलडाउन भरने वाला है। और यहाँ पे किसने मारा, और यहाँ पे ब्राउन मर चुका, और एक बंदा यहाँ पे बैकस्टेपर बन चुका। भाई तूने मीटिंग क्यों बिठाई बैकस्टेपर, तू बैकस्टेपर बन गया तो बन गया, मीटिंग मिलने की क्या जरूरत थी भाई। और यहाँ पे देखो एक मतलब इत्तेफाक क्या होता है कि अपना ब्लू जो होता है ना भाई, वो इम्पोस्टर था इस गेम के अंदर। उसने मुझसे कहा कि भाई यहाँ पे जो पर्पल है वो इसकी पार्टनर है, तो भाई यहाँ पे हमने उसको बाहर कर दिया है यहाँ पे। और भाई देखो इन लोगों को लग रहा है कि यार मुझे भी इस गेम से बाहर कर देंगे, लेकिन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हम लोगों को कुछ एक एक किल करना है, उसका हम लोग ये गेम जीत जाएंगे। लेकिन इम्पोस्टर ने यहाँ पे टास्क दे दिया है अपने ऑक्सीजन का। भाई देखो कोई मसला है नहीं हमें ऑक्सीजन के टास्क पूरा करने में, क्योंकि हम लोग ये गेम ऑलरेडी जीत चुके हैं भाई। लेकिन हमारा कूलडाउन यहाँ पे भर जाए, जैसे ही हमारा कूलडाउन भर जाएगा ना, मैं यहाँ पे किल करूंगा और इस गेम को अपने नाम कर लूंगा। और यहाँ पे बैकस्टेपर के बच्चे तू मरा मेरे हाथ से, तूने खामा का मीटिंग बिठा के मेरा टाइम बर्बाद कराना यहाँ पे। और यहाँ पे टास्क भी पूरे हो चुके हैं भाई, हमारे साथ चल रहा है। इसको लग रहा है कि शायद मैं इंपोस्टर हूँ, लेकिन मैं इंपोस्टर नहीं हूँ, मैं इस गेम के अंदर हूँ हिप्नोटिस्ट। और भाई देखते हैं यहाँ पे कोई दिखेगा तो उसको मारूंगा। आजा बिल्कुल बेटा डांस करते हैं, आजा बहुत टाइम लगेगा बेटा, बहुत टाइम लगेगा कूलडाउन भरने में। अभी भाई कोई सा कूलडाउन नहीं, यहाँ पे कूलडाउन भर चुने भरने वाला है, चल के किल करना शुरू करते हैं। जाके गोल्डन को मार, मैं यहाँ पे किसी और को मार, तो सियान आ चुका। और यहाँ पे सियान मारा, क्या हो गया, अबे गेम जीत भी गए हम लोग इतनी जल्दी। हाँ मतलब एक किल करा है हम दोनों ने मिलकर, और हम लोग गेम जीत गए भाई, बहुत बढ़िया। इसे कहते हैं प्रो खिलाड़ी। तो भाई चलो फिर ये था हमारा आज का गेम प्ले। गेम प्ले पसंद आया तुम लोगों को पता है ना क्या करना है, हाँ तुम लोगों को पता है क्या करना है, तुम लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है। और अगर चैनल पे नया होना तो चैनल को सब्सक्राइब। बाकी मिलूंगा आप सभी लोगों से अपने अगले गेम प्ले के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय।